इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तारीख को कभी मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि तारीख अपने आप को दोहराती है। पर संघीय विचारधारा के लोग तारीख के औराक मिटाना चाहते हैं, उन्हें बदलना चाहते हैं। कभी अंग्रेजों की चापलूसी मुखबिरी किया करते थे, आज उन्हें भारत रत्न देने की बात की जाती है। और जिन्होंने देश के लिए, मुल्क के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपने मासूम बच्चों को तक इस देश को गुलामी से आजाद करने के लिए गिरवी रखा, आज उनकी तारीख मिटाने पर तुली है। यकीनन हम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं। किस तरह नफरत इनसे, इन शहीदों से है। खुद तो कभी बहादुरी से लड़े नहीं, जी हुजूरी ही इनकी फितरत रही। शहरों के नाम बदलकर बहादुरी का मुजाहरा करने की बुजदिल कोशिश करते हो। अगर तुम्हें शहरों के नाम रखना है तो नए शहर बनाओ, तरक्कियाती कामों को अंजाम दो और रखो उन्हें नाम जो आप रखना चाहते हैं, जिन्हें तुम दीनदयाल या प्रयागराज रखना चाहते हो, रखो, कौन मना करता है। खैर, हम आज फिर एक बार टीपू सुल्तान शहीद की बात कर रहे हैं और हमेशा टीपू सुल्तान की बात करते रहेंगे। भारत के सच्चे देशभक्तों के लिए एक जज्बा है। गुलामी के खिलाफ उठने वाली तलवार का नाम टीपू शहीद है। पूरी दुनिया को जिसने जदीद टेक्नोलॉजी से पहचान कराई, उसी का नाम टीपू शहीद है। शर्म आनी चाहिए कि जंग आजादी का सबसे पहला मुजाहिद हजरत टीपू सुल्तान की तारीख को मस करने की कोशिश, साजिश तुमने रची है। निहायत ही शर्मनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस हुकूमत का सख्त अल्फाज में ही नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि टीपू सुल्तान के खिलाफ बोलना गोया इस देश की मुखालिफत में बोलना है और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देने के बराबर है। भारत के ही हिस्से से इसका विरोध, इसकी मुखालिफत होनी चाहिए, क्योंकि टीपू शहीद को धर्म के नजरिए से देखने वाले कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते। इस अजीम बादशाह और इंसाफ पसंद हुक्मरान से इसलिए नफरत की जा रही है क्योंकि वह मुसलमान था। क्या इस नफरत के पीछे भी सियासी मुफाद छिपा हुआ है? क्योंकि वैसे भी भाजपा की गिरती साख को अब मजहबी तशद्दुद ही बचा सकता है। नफरत के शोलों पर सियासी रोटियां सेकी जा सकती है। जिस तरह देश बिल्कुल तबाही की खाई में धसता जा रहा है, जरूरत है हर घर में टीपू पैदा होने की। जिसने कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी, और इसी पर अमल करके दिखाया। जो अपने आप को जो देश के ठेकेदार बने हुए हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सच्चे देशभक्त टीपू सुल्तान से गद्दारी की थी और आज उन्हीं को गद्दारे वतन साबित करना चाहते हैं। फिलहाल देश में गंगा उल्टी बह रही है, यहां तक कि महात्मा गांधी को तक बख्शा नहीं जा रहा। देश गरीबी के इंतहा पर पहुंचा हुआ है, पर मोदी सरकार जिम्मेदार नेहरू को ठहरा रही है। ताज्जुब तो इस देश की जनता पर है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई बात करना चाहता नहीं। तमाम बातों के बावजूद सभी खामोश है। टीपू सुल्तान की तारीख बयां करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। देशभक्ति को अगर बयां करना है तो सिर्फ टीपू एक लफ्ज ही काफी है। पर देश बदल चुका है। अब देश का पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे को महात्मा बनाने की साजिश जारी है। इसके मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। टीपू सुल्तान या गांधी पर मनमाने अल्फाजों के तीर छोड़ना ही देशभक्ति मानी जा रही है। टीपू सुल्तान शहीद को स्कूली किताबों से मिटाने की मुकम्मल मंसूबाबंदी रियासत की हुकूमत ने फैसला कर लिया है, और यह फैसला भी उस शख्स ने लिया है जो कभी टीपू सुल्तान की पगड़ी पहनकर टीपू जिंदाबाद के नारे लगाया करता था। खैर, मुस्लिम मुखालिफ माहौल को फिर से बनाने की साजिश जारी है, क्योंकि अब इंतखाबात भी नजदीक है। अब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम साथ लेकर ही तो आता है। इन्हें याद रखना चाहिए कि टीपू शहीद का नाम कागजों पर लिखने का नाम नहीं है, बल्कि दिलो दिमाग पर नक्श करने का नाम है। तारीख को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, और यही तारीख है। टीपू सुल्तान की तारीख को स्कूली किताबों से हटाने के फैसले पर कई सारे लोगों ने मुखालिफत तो की है। किसी मुजाहिदे आजादी को इस तरह स्कूली किताबों से हटाने का फैसला जाहिलाना ही कहा जा सकता है। ऐसा कांग्रेस के सिद्धरामैया ने भी कहा है। हिंदू विरोधी तो कभी कन्नड़ विरोधी कहकर इसे सिर्फ मुस्लिम बादशाह के तौर पर दिखाने की साजिश जमाने से अंग्रेजों के मुखबिर करते आए हैं, जबकि सच्चाई यही है कि हजरत टीपू सुल्तान कभी किसी धर्म भाषा का तफरका न करते थे। पुरनैया नामक एक ब्राह्मण उनसे उनके अहम मुशीर थे, और वे कांची कामकोटिपीठम के शंकराचार्य को बड़े अद्ब इज्जत से जगगुरु भी कहते थे। यकीनन उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ ही तलवार उठाई जो अंग्रेजों की गुलामी और चापलूसी किया करते थे। आज उन्हीं लोगों को इनसे नफरत है, पर मासूम बच्चों को टीपू की तारीख, इनका इतिहास पढ़ाने से रोकना
तंग नजरिया ही की इंतहा कही जा सकती है। लिहाजा इसकी मुखालिफत का इसका विरोध होना चाहिए और देश में एक बार देशभक्ति को अगर सरे आम सरे राह दिखाना चाहते हो, हर एक की जुबान पर अगर देशभक्ति लाना चाहते हो तो टिपू सुल्तान शहीद की तारीख को जिंदा रखना जरूरी है। यही इत्तेहाद न्यूज की इल्तिजा है। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।